अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं पोटैटो सीख कबाब बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो सीख कबाब के लिए जो है मैंने आलू ले लिए हैं, ये मैंने 4 आलू ले लिए हैं, इनको छोटे और उसको बड़े हैं तकरीबन, ये जो है आधा किलो के बराबर मैंने आलू ले लिए। इसको जो है मैं ग्रेट कर लूँगी, हैंड ग्रेटर है मेरे पास, मैं ऐसे कर लूँगी। अगर आप हाथ से भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि अच्छे तरीके से ये ग्रेट हो जाते हैं, कोई भी जो है गुठली वगैरह आलू में नहीं रहती और सीख कबाब का जो है बिल्कुल अच्छा सा ये टेक्स्चर होता है इसका। ये देखिए सारे आलूओं को मैं इस तरीके से कर लूँगी। बहुत ज़्यादा जो है आलू को आप बॉईल मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएं, क्योंकि फिर वो सीख कबाब जो है टूटने लगेंगे। बस मैं इस तरीके से सारे आलू को कर लूँगी। थोड़ा सा आलू को हार्ड ही रखिएगा। ये देखें इस तरीके से मैं सारे जो है इसको ग्रेट कर लूँगी। ग्रेटर नहीं है तो आप इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको मैश भी बहुत अच्छा सा करें। ये देखें सारे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया आलू को। अब जो इसके बाद इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, इसमें डालना है गार्लिक, ये मैंने ले लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर गार्लिक। गार्लिक का पेस्ट डाल दिया मैंने, ये भी ध्यान रखिएगा ज़्यादा पानी ना हो इसके अंदर। इसके साथ इसमें जा रहा है धनिया और पुदीना, ये मैंने जो है तकरीबन 1 कप के बराबर ले लिया था, बिल्कुल चॉप कर दिया, तो ये क्वांटिटी है उसकी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाली है इसके अंदर लाल प्याज। 1/2 कप के बराबर इसमें जा रहे हैं ब्रेड क्रम्स। और मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला, 1/2 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, और नमक इसमें जा रहा है हसबे जायका। आप जो है लाल मिर्च जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, और आप चाहें तो इसके अंदर आटा जो है चावल का आटा होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे जब आप चावल का आटा ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर सिर्फ ब्रेड क्रम्स ऐड किया है, अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप उसको ज़रूर ऐड करें। और तब भी अगर आपका ये आलू का बैटर पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ढीला सा है तो आप इसके अंदर आपके पास अगर कॉर्न फ्लावर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास, जो चीज़ अवेलेबल है आप ऐड कर दें तो आपके जो ये सीख कबाब हैं ये टूटेंगे नहीं। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए पोटैटो मिक्सचर जो है सारा मैंने मिक्स कर दिया है, और आप जो है इसको ब्रेड क्रम्स डालने के बाद जो है आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि जो भी मॉइस्चर वगैरह हो आलूओं का वो ज़्यादातर जो है आलू को जो है जब्स कर ले सारा जो ब्रेड क्रम्स है, ताकि जो है आलू हमारे सीख कबाब जो है टूटे ना। अब जो है हम सीख कबाब बना लेते हैं। इसको मैंने 5-10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, मेरे पास ये सीख कबाब की जो है ये स्टिक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई पेंसिल भी ले सकते हैं, और आप सिंपल जो है हाथ से भी बना सकते हैं। ये बहुत इजी होते हैं, सबको ही आते हैं सीख कबाब बनाना। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इंसर्ट किया, एक पोर्शन मैंने ले लिया आलू का और इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। थोड़ा सा अपने आप फिंगरप्रिंट्स भी जो होते हैं सीख कबाब के ऊपर उस तरीके से आप कर लें, और ये देखें सीख कबाब बनकर तैयार, और ये देखें अच्छा सा सीख कबाब बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से लिया आलू का मिक्सचर हाथ में और इसको किया स्टिक में इंसर्ट, और इसको जो है इस तरीके से ये देखें, और ये देखें बनकर ये तैयार हो गया। बस मैं इस तरीके से सारे सीख कबाब बना लूँगी, इसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें सारे सीख कबाब जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं, और ये ढेर सारे बन गए आधा किलो आलू के अंदर। तो चले अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा जी, इसको जो है फ्राई करना है, लेकिन इसको डीप फ्राई नहीं करना है, इसको शेलो फ्राई करना है। और इसके अंदर जो है मैं तकरीबन जो है 2 टेबलस्पून के बराबर ले लूँगी, क्योंकि ये मेरा पैन जो है बड़ा है, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर जो है ऑयल ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसके अंदर जो है ये सीख कबाब डाल दूँगी, लेकिन इसको जो है डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको सिर्फ जो है शेलो फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने कोटिंग तो कोई करी नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए जो है ज़रूरत नहीं है डीप फ्राई करने की। चलिए जी अब इसको फ्राई कर लेते हैं। अब जो है मैं सारे सीख कबाब जो है डाल दूँगी, थोड़े से डेलिकेट होते हैं तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज़्यादा इसके ऊपर चमचा ना चलाएं, वरना ये टूट जाएंगे।
बस इस तरीके से मैं तेल को भी जो है ताकि इवनली सारे सीख कबाबों तक पहुँचे, तो तेल को बस मैं इस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं इसको हिला नहीं रही हूँ चमचे से। अब जो है मैं इसको टर्न कर रही हूँ बहुत ही एहतियात के साथ और अच्छा सा इसको गोल्डन सा कलर दे देंगे। देखें बिल्कुल भी टूटे नहीं है, कहीं से भी फटे नहीं है, आलू बिल्कुल भी नहीं फटा है क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले थे। ये देखें मैंने आगे पीछे करके जो है सारे जो है कबाब को जो है मैंने फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है और ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं दिखने में। बिलीव मी आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और तो चलें अब इसको सर्व करते हैं। और ये लीजिए जी मज़ेदार से पोटैटो सीख कबाब्स जो है रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।